एक बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि वो तमाम मंत्री जिन्हें ज्यादा मंत्रालय जिनके पास थे उनका बोझ कुछ कम किया जा सकता है, और उस फहरिस्त में डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी सामने आया था। अब ये बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दे दिया है इस्तीफा। आमोद राय, इसको लेकर और क्या खबर है? और ये आठवां नाम देखिए हमारे सामने आ गया है, अब डॉक्टर हर्षवर्धन का भी इस्तीफा हो गया है। तो मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय क्या किसी और के जिम्मे होगा, या जो बाकी मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था उससे उन्होंने इस्तीफा दिया है? क्या खबर है पूरी? देखिए, निश्चित तौर पे डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर पहले से ही ये माना जा रहा था कि उनकी सीट खतरे में है, और पहले से ये बताया भी जा रहा था कि उनके बोझ को कम किया जाएगा या उनको इस्तीफा भी लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में उनके मंत्रालय ने हैंडल किया शुरुआती दिनों में, उससे बहुत संतोष प्रधानमंत्री को नहीं था, और लिहाजा उनको अपने पद से हटने की लगभग ये बात पहले से तय हो रही थी, और ये बात लगभग सब सत्ता के गलियारों में की भी जा रही थी। लेकिन आज तकरीबन चूंकि बड़े फेस हैं हर्षवर्धन, उनके इस्तीफा का जब तक ऐलान ना हो जाए तब तक ये चलाना उचित नहीं था, लिहाजा अभी एक दो और इस्तीफे की चर्चा है जो बड़े मंत्री हो सकते हैं। लिहाजा सात मंत्रियों को जिनकी सूची आपने दिखाई, उसके अलावा दो से तीन मंत्री, उसमें से एक मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अभी इस्तीफा दे चुके हैं, और एक से दो मंत्रियों की नामों की सूची अभी आपको मिलेगी थोड़ी देर में, वो भी बड़े मंत्री हो सकते हैं, और उनकी भी इस्तीफा केंद्रीय कैबिनेट से हो सकती है आज। अच्छा आमोद, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे नेता जो कि आज शपथ लेने जा रहे हैं, जिनको न्योता आ गया, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई, बहुत सारे ऐसे भी तो नेता होंगे जो कि उम्मीद लगाए बैठे होंगे, जिनके पास फोन नहीं पहुंचा, जिनके पास बुलावा नहीं आया, न्योता नहीं मिला, ऐसे कौन कौन से नेता हैं? देखिए समीर, बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको उम्मीद थी कि केंद्रीय कैबिनेट में उनको जगह मिलेगा, इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिलेगा, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। और वैसे नेताओं को का अगर फहरिस्त बनाया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि जो सबसे जो महत्वपूर्ण नेता हैं उसमें सुशील मोदी का नाम आप शामिल कर सकते हैं, कि उनको उम्मीद थी कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको उम्मीद थी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, लेकिन ये तो राजनीति जो है एक ऐसा गेम है कि सुबह और शाम में क्या होगा किसी को मालूम नहीं। लिहाजा आज जब सुबह हमारी कुछ जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट थे उनसे बात हुई, तो उनको जब कॉल नहीं आया था तो वो लोग खुद ही पूछ रहे थे आपके पास कोई सूचना है क्या। तो हम लोग निश्चित तौर पर वैसे नेताओं का नाम अभी नहीं ले सकते जिनके नामों की चर्चा थी और उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन उसमें जो कुछ बड़े नेता हैं उसमें सुशील मोदी का नाम जरूर लिया जा सकता है, वो मायूस होंगे जरूर।